Bye bye. Take care. God bless you. Love you. Bye. Bye. Oh, after so many years, I guess हम इस तरह से अलग हो रहे हैं. गले में कुछ लगता है, चुभता है. ये भगवान इसकी रक्षा करना. Bye bye. Talk to you later. So Gunjan is here. Hello. And we left for Bolivari. Bye bye. रेजर भूल गया तो ये यहाँ से लिया मैंने मेडिकल से बाई चांस अगर मुझे ज़रूरत पड़ जाए तो. सो आई थिंक 12:45 अभी पता नहीं कितने बजे वॉट एवर बट हम पहुँच चुके बोरीवली. ये देखो मैडम का चुम्मी ना हमेशा बना रहता है रेडी रहता है. आई लव सेम सेम ब्लू. देखे हमारा केमिस्ट्री अभी सब जम गया ब्लू. ये मैं व्लॉगिंग करता रहता हूँ तो अभी शुरू हो चुका है. यस सिकंदर जी एंड माधुरी जी ये कंफर्म हो चुका है कि भूज इधर से चलते हैं क्योंकि उस साइड में है. हाँ जी भूज वाली गाड़ी 8 पे आएगी. चलिए हाँ उधर A3 उधर है. बिफोर टाइम 6 माइला. तबियत तो ठीक है ट्रेन का. अच्छा ये तो लगता है कुछ डब्बा ही इंजन है. चुके हैं B4 में. 18 तारीख की निकली है बांद्रा से. 19 को पहुंची बोरीवली. सो पहुंच गया. इट्स यश. मेरा व्लॉगिंग चलता रहेगा. पूजा वसुधा वसुधा नहीं नेम रियल नेम इडन. यस दो दिन लगेंगे मैडम के नाम याद करने में लेकिन गंदी बात का पूरा मेकिंग करना है. आप करने जा रहे हो. अरे बाप वेरी नाइस यार. बहन जो सीन भी अरे बाप वेरी नाइस यार. काफी सारा मैं मेरी ना भूज वो चलता मेरा मेरा उसका अजय देवगन की मूवी है उसका शूट चल रहा है. इस ट्रेन में पेंट्री है नहीं और कोई आ भी नहीं रहा है अभी. ये कोई स्टेशन आया है समा ख्याल या समथिंग. हाँ चाय लेने आए. बड़ी मुश्किल से चाय मिली. अगर गांधीधाम पे आओ तो यहाँ से पोहा जरूर खाना. बहुत ही यम्मी है. इट्स ऑसम. ट्रेन गांधीधाम पे रुकी है. वहाँ से भी थोड़ा नाश्ता लिया है जो अंदर गई लड़कियाँ लेके. अब हम लेंगे चाय. छोकरो गुजरात आई मुझे परवा. सिम्बा सिल्ली हो गया. हाँ देख ऐसे भी मैं बोला है. अभी पिक्चर ना हो तो मैं तो मतलब चलो उसका कुछ सिमिलर लुक फिर से करना. दहाड़ लो. हाँ दहाड़ लो. सिंपल दहाड़ लो. सब बना हाँ डाल दोगी है. बहुत डेंजर लड़कियाँ हैं इधर. और क्या मेरा मूड नहीं थोड़ा लाइफ में कुछ चलो लाइफ बेहतर है. बेहतर
निर्धारित वक्त पर भुज पहुंच चुके हैं और ये मैं पहली बार आया हूं लाइफ में। हाय हाय, यार मैं नाम भूल गया। गुची गुची तो आई मैं बस नहीं तो रियल नेम ईडन रोज। ओके, वेरी डिफरेंट नेम बट गुची सही है। और मैं तो बीरू ही कॉल करूंगा क्योंकि बहुत माँ बहन कर रही है बाप। मैम गुड मॉर्निंग। मैं तो इतना सारा खाने का सामान लेकर आई थी। अच्छा, आपने तो बुलाया नहीं, आपने तो किसी को पूछा नहीं। छब्बीस बारह यस। ये मेरे पीछे क्यों आ रही यार? Hey guys! ये मेरे पीछे पीछे आ रही है, I don't know why. So Gucci always ready. बाकी किसी को नहीं है रुचि, सिर्फ रेडी है Gucci. ज्योति मेरा व्लॉगिंग चलता रहेगा। ये सिकंदर खान जी है, विल प्ले काका और ये काकी। इनके बारे में तो बहुत लंबी कहानी गुफ्तगू करेंगे बैठ के। बहुत ही सरप्राइज एक देनी है इनको। कैसे? मैं आपको बताऊंगी कहानी। बस कहानी मेरे बारे में? यस, जानने वाला मिल गया तुमको। यस, got ready. Acha yahi pe hai. Okay, kya hai bhai? Are chupa hua gulab. Are yaar tum log kamal kar rahe ho yaar, main bol raha hu camera mein dekhne se bataye ja rahe ho. Yes, मैं रिएक्शन क्या करना चाहता हूँ। मैंने आपकी, अरे पर देखो तुम्हारी वाइफ का ना मैं नाम से नहीं पहचान पाऊंगी, तो चेहरा दिखाओ उसका पहले। अच्छा नहीं, मैं आपको क्यों देता हूँ? नहीं, मैंने आपकी नहीं। फिल्म देखी थी थ्री सिस्टर। हाँ, उसमें आपका एक रोल था बुआ जी का। हाँ, और मैं तब से आपका फैन। कुंदन शाह की मैंने, हाँ उसमें आपकी आवाज का फैन हुआ, आपकी एक्टिंग का। और मैंने वो फिल्म 4-5 बार देखी है। और जब भी मैं मतलब उसमें कौन सी, मैं रोक नहीं पाता अपना। तीन महीनों में कौन सी वाली? अब देखो शक्ल भी भूल गई मैं। मजली बेटी, बीच वाली निशा, जो पंजाबी थी। हाँ हाँ, पंजाब से आई थी। हाँ, उसको आए हुए तभी कुछ एक डेढ़ महीना ही हुआ। हाँ, और एकदम हाँ, उसने गुलजार साहब की फिल्म करी थी फिर ये कर लिया। हाँ हाँ हाँ, राइट, शिजू। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता था कि जब मैंने पहली बार आपको यहाँ रीडिंग में देखा। हाँ, तो आपकी आवाज से मुझे लगा कि यार ये तो वही आवाज है। हाँ, क्योंकि मैंने वो फिल्म देखी थी और शिजू ने करी 10 साल पहले, तो मैं मतलब विश्वास ही नहीं कर पाया कि क्योंकि आप रियल में बहुत यंग लग रहे हो अभी भी, मतलब एकदम चार्मिंग। तो मैं वो कनेक्ट नहीं कर रहा था कि शी इज द सेम लेडी, इसलिए मैंने आपको आवाज की कॉम्प्लीमेंट, मतलब ये सीरियस थी। तो बहुत ही अच्छा लगा। ये बात कोई और भी कहता। एक्चुअली मुझे बहुत अच्छे से बताना था लेकिन ये देखो ध्यान से देखिए इनको। मैं बहुत अलग से बताना चाहता था लेकिन थ्री सीटर देखिए। अरे वाह अरे वाह, सिकंदर जी और ये मेरा भाई, दोनों ने मेरे आने से पहले ही भांडे मोड़ दिए। चलो खतरनाक नहीं हुई वो बात जो सुनता है, वो हम दो चार बातें करते हैं। ले बात कर। हेलो, हेलो, हाउ आर यू? आई एम गुड। तुमने मुझे पहचाना? ये हेलो, मैं पहचान सकती हूं आपको। बुआ जी? नहीं, मेरा की बुआ जी। बहुत अच्छा सीन किया था हम लोगों ने, है ना? बिल्कुल ऐसे ही लग रहे हो। हाँ, मैं और यंग हो गई, थोड़ा सा पीछे चले जाएंगे। बहुत यंग हो गई हो। चलो ये लोग घूमने जा रहे हैं। बाय, सी यू। बाय बाय शिजू, टेक केयर। बाय बाय शिजू, मैं 2 मिनट दादा चले। ये देखो चले, उड़ के जाए क्या? तो पब्लिक तैयार बैठी है,
बट फंस गए क्योंकि गाड़ी नहीं आ रही है अभी 3:30 बजे, अगर 4 बजे गाड़ी आई तो जाने के 2 रास्ते, 6 बजे पहुंचेगी, 6 बजे अंधेरा होएगा, अंधेरे में पहुंच के फायदा नहीं, तो शायद आई थिंक 70-80% कैंसिल हो चुका है हमारा, बट अभी भी कुछ लोगों को उम्मीद बाकी है तो वहां पे खड़े। देखिए इन लोग ने जिद करके गाड़ी तो मंगा ली है, बट मेरा कहना वही था अब 4 बजे गाड़ी आई है, 4:45 बजे पहुंचते पहुंचते 5:45 बज जाएंगे, उतरेंगे 15 मिनट में अंधेरा, वेस्ट ऑफ मनी, वेस्ट ऑफ टाइम एनर्जी, बट घर पे बैठने से अच्छा है लेट्स एंजॉय। मेरी लोग ने पिकनिक माना चालू कर दी है, चल ले रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्या करना है? अच्छा मेकअप कर लिया इसलिए, ये देखो जब जब ये क्या है, हाँ सबसे लंबा आदमी सबसे आगे बनाना, ये देखिए अभी मेकअप करके आई है तो कैमरा फेस कर रही है, वरना ऐसे ऐसे कर रही थी पूजा, तो निकल चुके हैं हम और ये पीछे से आ रहे हैं, और ये दो हीरोइन साथ में है, मैचिंग में एक साथ चश्मे, इनकी आप ड्रेसेस देखिए, ब्लैक जैकेट देखिए, शॉपिंग का, और ये हमारे ड्राइवर दादा लेके जा रहे हैं हमको, दिनेश भाई, मैं यार रुक जाना, अभी जाने से तुम्हारी गाड़ी मंगवा दी यार, मिस करने की बात कर रही है, कौन मिस कर स्वीटली बोला यार इसने, क्या मिस करना है, और ये दुखद यूरन मारा गया है क्योंकि अचानक प्रोफेशनल का फोन आते है, सर वापिस आइए आपका शूट है अशोक और सीमा का, ज्यादा दूर नहीं आए, नहीं तो अगर सोच अभी तक वहाँ पहुँच चुके होते, हंसता रहो तुम्हें कच्छ मा छो, हाँ पहुँच चुके गाड़ी आ चुकी है, चल भाई ज्यादा पानी नहीं लिया, एंजॉय, चलो एंजॉय, बाय बाय, चलिए बाय बाय एंजॉय, हाँ उन लोग को भेजिए, चलो चलो बाय बाय एंजॉय, बाय बाय एंजॉय, चलो बाय बाय एंजॉय, चलिए हाँ हाँ जी हाँ जी बताइए, हाँ हम लोग होटल पे है इधर पहुँच गए, ठीक है मैंने पहना ही हुआ है जीन्स ब्लैक, आई थिंक मेरे पास एक ही जीन्स है अभी तक, एक ही लाया हूँ, चलो मैं देखता हूँ, अच्छा हाँ एक और जीन्स है, हाँ चलो ठीक है मैं कैरी करता हूँ, ठीक है ठीक ठीक है, ओके ओके, बोल रहे 2 सीन लगाएंगे आज अपने, चलिए आइए ऊपर, सब लोग ना ये लोग देखे हुए तो ढोकला वाले लोग का नहीं, ये रेशमी खमन है, हाँ मुझे यही पसंद है, हाँ ढोकला पसंद है, और इतना सा मीठा बना ना चाहिए, इसमें क्या है दाल है, सर हमने भी बहुत मिस किया, बहुत मिस किया, बहुत बढ़िया चीज हमने सुना है, वो भी चल रहा है फेस्टिवल का पूरा, आप लोगों ने लेकिन वो नहीं हो पा रहा है, खाओ या देसी माल शुद्ध 120 रुपए का अधिक इसका ये होता, तो बड़े अच्छा वीडियो बन रहे हमारे, नहीं शिफ्ट होगी 7 बजे की, निकलना है 5 बजे, यही होता है इसीलिए आपको लग रहा है आप 5 बजे फ्रेश होकर उठ सकते हो, हमें अभी थक जाएंगे बहुत वो रहता है, कोई बात नहीं खाना खाओ, अरे आपको दिक्कत नहीं हमारी बॉडी की प्रॉब्लम है, मेकअप लगने से सब फ्रेश, आपको मैं कह रहा हूँ मुझे कुछ ना करे, वो बॉडी के सीन ना हो ना तो आप मतलब 24 घंटे काम करो, ये नहीं करते ना इस पे असर दिख जाता है, चेहरा मेकअप से छुपा बॉडी नहीं होती, बॉडी भी पेंट वेंट कर दे, बॉडी भी तेरे सिक्स पैक बना देंगे ऐसे ऐसे करके, बिस्किट बना देंगे तेरे, छह बिस्किट बना देंगे,
क्या करके? पार्ले जी के बिस्किट। सो थोड़ी सी जलन यहाँ पे भी है कि हम नहीं जा पाएंगे, थोड़ी सी जलन वहाँ पे भी है कि आपने सो लिया, उसकी मर्जी। ये लोग हमसे जो है कि यार आपने सो लिया, हम पूरे आप लोग ने घूम लिया। हर इंसान को ना दूसरे की बीवी दूसरे की थाली में खाना ज्यादा। सही बात है। कहाँ चली उतरो? कहाँ चली उतरो? आज वो तो ना बेचारी है ना, बेसिकली वो जो आपने कहा चलो वसुंधरा वसुंधरा कहाँ चली उतरो? तो यहाँ पे हो रही है रिहर्सल और यहाँ पे खाना खाया जा रहा है। लेट लतीफ, ये बिगड़ा हुआ बच्चा है ये। ये रिहर्सल हो रही है, रीडिंग हो रही है। मैं सोची इतनी गहरी सोच में, अब देखो टिकटॉक जिंदाबाद। बताओ कर लो क्या होगा इन लड़कियों को, देखा जरा लड़की जरा चेहरा देखो, हाँ देखो ध्यान से देखिए यस देखिए ये रिहर्सल हो रही है। मुझे लग रहा है इतना डेडिकेशन है, डेडिकेशन के साथ रात को लेट नाइट ऐसे सुमड़ी में बाहर आके रिहर्सल चल रही है, और जब क्लोज कैमरा लगा हो तो पता चलता है टिकटॉक चल रहा है। यार चल बोल के दिखा, वो आदरणीय वाला बोल के दिखा। आदरणीय क्या क्या इधर बता, मैं फोन पे रहूंगी ना। हाँ कॉल पे जरा देखते। आदरणीय पतिदेव जी, सदर चरण स्पर्श, मैं बोल रही हूँ आपकी पत्नी वसुधा। क्या बात है, ये टिकटॉक वाले तो छाप लिया है। थोड़ा सा आई थिंक डबिंग करेंगे लोग, मेहनत थोड़ा सा डबिंग करेंगे। वसुधा हंसो मत बेटा, वसुधा आके किला है। आपको बोलनी है, मैं इतना ही बोलना है, मुझे बोलना है, आपको कुछ बोलना, उतर जाओ ऐसे कुछ। नहीं 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 कहाँ है वो, आप ये महीपाल आपको? हाँ महीपाल। तो वही रुक जाएगा दावा जी, वही रुक जाएगा दावा जी। वसुधा ईश्वर की ऐसी मनोकामना से हम तो रिक्शा में बैठ चुके हैं बाबा साहब। चलिए भैया कर लिया, कोड़ी ने छाप लिया, छाप लिया वो ठाकुर तो बियो, मुझे लगता कल वो लाइन भूलने वाला। सो यस तू तो गयो, ये डायलॉग बोलने वाला है, इसको पता नहीं क्या होने वाला सुबह तक। ईश्वर के ये नहीं, सो डोंट अंडरएस्टिमेट टिकटॉक गर्ल्स। या यस क्या बोलती पब्लिक, क्या बोलती? देखो एक लेडीज बैठी होती है तो तीन मर्द आ जाते हैं, अगर यहाँ पे एक मर्द बैठा होता तो घंटा भी एक लेडीज ले आए। ये सब बोलते और अगर एक मर्द आएगा बोलेगा अबे सो जा तेरी मां की क्या है, आउट है वो, आउट है फ्रेम में नहीं, फ्रेम में नहीं। देखो टेंशन, देखो अभी भी टेंशन, देखो मर्दों की लग रही है टेंशन नहीं है, काका है उम्र देखिए और उसके बावजूद ऐसे फॉलोअर्स बन रहे हैं। यस ऐसे मेमोरीज सांस छोड़ दीजिए, अभी मैं काट रहा हूँ। बाय बाय।